ईश्वर सहाय, आप सबों का यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए हम आज की आराधना को आरंभ करें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू सब अच्छी वस्तुओं का दाता है। हम प्रार्थना करते हैं आज की इस आराधना में प्रभु परमेश्वर तू हमारे साथ में रहे और हम अपने मन को इस प्रकार से तैयार कर सकें कि हम तुझसे प्रेम करने वाले हो सकें। हे जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हमारे अंतःकरण को शुद्ध करें कि हम तेरे उन सारे दानों के विषय में समझ पाएं। और जीवित अनुग्रहकारी पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि उसी दानों को समझते हुए प्रभु हम अपने मनों को पिता परमेश्वर उदारता से तेरे निकटताई में सौंपने वाले हो सकें, हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट के द्वारा। आमीन। गीत संख्या 192, हिम नंबर 192। हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट ने कहा, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु क्राइस्ट दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें सार्थक जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप पर विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें, हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हम पाप अंगीकार की इस प्रार्थना को एक साथ उच्चारेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी आज्ञाता दुर्बलता के कारण और जानबूझ के बुराई की है। हम भलाई करने में असफल रहे हैं, इन सब पापों में सचमुच खेदित हैं और अंतर्गत से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु क्राइस्ट ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए उनको क्षमा कर और यह वरदे के तेरे भविष्य में हम नया जीवन पाकर तेरी सेवा करें।
ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम सबको क्षमा करते हैं, जो एक दूसरे को क्षमा करते हैं, सच्चा पश्चाताप करते हैं, वह हम सब पर दया करें, हमारे पापों को क्षमा करें, उनसे हमें छुटकारा दे, सब भले कामों में स्थिर और सबल कर साथ में जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम कलेक्ट की प्रार्थना को करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू सब अच्छी वस्तुओं का दाता है, हम प्रार्थना करते हैं कि सब प्रकार के ईर्ष्या और लोभ को दूर कर, हमारे हृदय को सुधर पवित्र कर, और तेरे दानों को जो हमारे पास हैं उन्हें दूसरों के संग बांटना हम सीखने वाले हों, ताकि उनके द्वारा तेरे ही पवित्र नाम की महिमा हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब सदा जीता और राज करता है। आमीन। हम प्रार्थना करें, हर एक मसीह घरानों के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, तो अपने लोगों को शांति से निश्चित रहने के स्थानों में वास कराता है, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि सब क्रिस्ती घरानों को आशीष दे, उनसे दुष्ट आत्मा के सारे पंगों को दूर करें, और अपने पवित्र दूतों को अपने दासों की रक्षा और शांति के लिए वास करने दे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें विश्व प्रभु और पाठशाला दिवस के लिए, जो डायसिस के विभिन्न पैरिशों में मनाया जा रहा है, विशेषकर जमशेदपुर पैरिस के युवा प्रभुवार पाठशाला दिवस, प्रभुवार दिवस मनाती है, हम उनके लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, तूने अपने बालकों के सुध्या प्रतिपालन का भार अपने पौत्र कलेशा को सौंप दिया, अपनी बुद्धि और ज्योति से शिक्षकों और शिक्षार्थियों की अगुवाई करें, ताकि तेरे सत्य के ज्ञान से आनंदित होकर वे तेरी उपासना और तेरी सेवा अपने जीवन के सब दिन करते रहे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें जगत के मेल के लिए। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सत्यतर मेल तेरे विचार से होते हैं, हम प्रार्थना करते हैं सबों के मन में मेल की निष्कपट इच्छा उत्पन्न करें, और अपने स्वर्गीय ज्ञान से उन सबों की अगुवाई करें जो जगत के मेल के लिए पारामर्श करते हैं, ताकि तेरा राज शांति के साथ आगे बढ़ता जाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें, हम आज के दिन को पवित्र रीति से, योग्य रीति से मनाने के निमित्त में प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने विश्राम के लिए अपने लोगों को एक दिन दिया है, अपनी आत्मा के द्वारा कलेशा की प्रेरणा कर अठवारे के पहले दिन को पवित्र ठहराया, वह तेरे पुत्र के जीवन का निरंतर स्मरक रहे, हमें अपने इस पवित्र दिन का सम्मान करना सिखा, यह अनुग्रह दे कि हम उसे ऐसा प्रयोग करें कि तन और मन में विश्रांति और नया बल पाकर हम अपने जीवन के सब दिन तेरे सेवा विश्वास से करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा। आमीन। हम सुसमाचार प्रचार के लिए प्रार्थना करेंगे। हे पृथ्वी के सब जातियों के परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं तू अनगिनत लोगों को स्मरण कर जो यद्यपि तेरे स्वरूप में सृजे गए हैं, तथापि तू जो तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्ट के प्रायश्चित को नहीं जानते, यावर्दे के तेरे पुत्र कलेशा की प्रार्थनाओं के द्वारा वह सारे मिथ्या धर्म और अविश्वास से छुड़ाया जाए और तेरी सेवा करने के लिए आकर्षित किए जाए, उसी के द्वारा जिसे तूने सारे मनुष्य जाति का पुनरुत्थान और जीवन होने के लिए भेज दिया था, तेरा पुत्र हमारा प्रभु यीशु ख्रीस्ट। आमीन। आज के पवित्र दिन के लिए ठहराया गया पहला पाठ हमें मिलेगा निर्गमन नामक पुस्तक, उसका 35 अध्याय 20 पद से 29 पद तक। निर्गमन नामक पुस्तक उसका 35 अध्याय 20 पद से 29 पद तक लिखा है, तब इसराइलियों की सारी मंडली मूसा के सामने से लौट गई, और जितनों को उत्साह हुआ और जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी, वे मिलाप वाले तंबू के काम करने और उसकी सारी सेवा और पवित्र वस्त्रों के बनाने के लिए यहोवा की भेंट ले आने लगे। क्या स्त्री क्या पुरुष जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी, वे सब जुगनू नथनी मुंदरी और कंगन आदि सोने के गहने ले आने लगे। इस भांति जितने मनुष्य यहोवा के लिए सोने की भेंट के देने वाले थे,
वे सब उनको ले आए और जिस जिस पुरुष के पास नीले बैंजनी या लाल रंग का कपड़ा या सूक्ष्म सनी का कपड़ा या बकरी का बाल या लाल रंग से रंगे हुए मेड़ों की खाले या सुइयों की खाले थी वे उन्हें ले आए। फिर जितने चांदी या पीतल की भेंट के देने वाले थे वे यहोवा के लिए वैसे भेंट ले आए। और जिसके पास सेवा के किसी काम के लिए बबूल की लकड़ी थी वे उसे ले आए। और जितने स्त्रियों के हृदय में बुद्धि का प्रकाश था वे अपने हाथों से सूत कांत कांत नीले बैंजनी और लाल रंग के और सूक्ष्म सनी के काते हुए सूत को ले आई। जितने स्त्रियों के मन में ऐसी बुद्धि का प्रकाश था उन्होंने बकरी के बाल भी काते और प्रधान लोग एपोद और चपरास के लिए सुलेमानी मनी और जड़ने के लिए मनी और उजियाला देने और अभिषेक और धूप के सुगंध द्रव्य और तेल ले आए। जिस जिस वस्तु के बनाने की आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा दी थी उसके लिए जो कुछ आवश्यक था उसे वे सब पुरुष और स्त्रियां ले आई जिनके हृदय में ऐसी इच्छापन हुई थी। इस प्रकार इसराइली यहोवा के लिए अपनी ही इच्छा से भेंट ले आए। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के लिए ठहराया गया दूसरा पाठ है कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री उसका 8वां अध्याय और उसके पहले पद से लेकर 9 पद तक। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री उसका 8वां अध्याय और उसके पहले पद से 9 पद तक लिखा है। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकिदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ भर वरन सामर्थ से भी बाहर मन से दिया और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की और जैसे हमने आशा की थी वैसे ही नहीं वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। इसलिए हमने तीतुस की समझ को समझाया कि जैसा उसने पहले आरंभ किया था वैसे ही तुम्हारे बीच में इस दान के काम को पूरा भी कर ले। इसलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास वचन ज्ञान सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हम में रहते हैं बढ़ते जाओ वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। मैं आज्ञा की रीति पर तो नहीं परंतु दूसरों के उत्साह से तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को परखने के लिए कहता हूं। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गीत संख्या 131 हिम्न नंबर 131। Watching
प्रभु आपके साथ रहे और आपके साथ भी। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसके 38 पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने उपदेश में उनसे कहा, शास्त्रियों से चौकस रहो जो लंबे लंबे चोगे पहने हुए फिरना और बाजारों में नमस्कार और राजालयों में मुख्य मुख्य आसन और भोजन में मुख्य मुख्य स्थान भी चाहते हैं। वे विधवाओं के घरों को खा जाते हैं और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं, वे अधिक दंड पाएंगे। वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर दो दमड़िया एक अधेले के बराबर होती है डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपने सारे जीविका डाल दी। या क्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रार्थना करें। हे सामर्थ्य जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, संगति के लिए जो कि आपने हमें दिया। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम तेरे वचनों से सीखने वाले हो सके और निकटताई में पिता परमेश्वर आते हुए अपने हृदय को इस रीति से हम बनाने वाले हो सके कि हम अपने उस उदार मन को तेरे निकटताई में रखने वाले हो पाए। इसलिए हम चाहते हैं कि हम प्रत्येक इन बातों को सीखते हुए तेरे निकटताई में आने वाले हो, यीशु के नाम से आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें एक दिन दिया है कि हम उसे हर एक बातों के लिए धन्यवाद दे सकें। हम एक अनुग्रहकारी दयालु और देने वाला परमेश्वर हैं और हर एक वह चीज जिसे परमेश्वर ने बनाया है वह बड़ी उदारता से हमें देता है और उसकी ही दया से हम आज के जीवन को देखने पा रहे हैं। उसके अनुग्रह से, उसके दयालु से और उसके उस दया से हम आज के इस दिन को देखने पाते हैं। परमेश्वर ने ऐसी किसी भी वस्तु को नहीं बनाया जिसे हमें कोई लाभ ना हो, परंतु हर एक वस्तु लाभ ही की है। परंतु त्रासदी यह है कि परमेश्वर के सर्वश्रेष्ठ रचना जो मनुष्य है वह लेना अधिक जानता और देना बहुत कम जानता। शायद यही कारण है कि जब जीवन में बहुत सी समस्याएं आती हैं तो हम उनसे लड़ते हुए आत्मिकता में उठ नहीं पाते, आशीषों में आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि हमने सिर्फ मांगना ही सीखा है। देने के समय हमारे हाथ खुल नहीं पाते, क्योंकि नीति वचन 22 उसका 9 में कहता है, उदार हृदय वाला आशीषित होगा क्योंकि वह कंगाल को अपने भोजन में से देता है। मसीह में भी जब हम देने की बात कहते हैं तो सर्वप्रथम हम गौर फरमाते हैं दान, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि हगै 2:8 में वचन कहता है कि चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा है। अर्थात परमेश्वर को धन से नहीं आंक सकते, परंतु परमेश्वर ने मनुष्य को नापने के लिए एक मापदंड दिया है जो धन ही धन है, जिससे हम व्यक्ति के जीवन को नाप सकते, परंतु परमेश्वर के दृष्टिकोण में इसके साथ ही साथ उसके हृदय को भी नापता है। हम आज पढ़े गए 3 वचनों के जरिए से समझने का प्रयास करेंगे कि परमेश्वर अपने पवित्र मंदिर के इस वेदी पर हम चढ़ावा को कैसे चढ़ावा को बचाता है। निश्चित तौर से हम अलग अलग लोकल में भी, अलग अलग जगहों में भी हम कटनी का पर्व मनाते हैं। हम अपने चढ़ावा को इस प्रकार चढ़ाए कि वह ग्रहण योग्य। पहला, परमेश्वर अपने लोगों से स्वतंत्र इच्छा की चाहत रखता है।
जब परमेश्वर पिता ने अपने लोगों को बंधुआई से छुटकारा देते हुए कनान देश की ओर ले जाने के क्रम में उन्हें जीवन के सुचारू रूप से चलाने का नियम बताया, जिसे दस आज्ञा कहते हैं, साथ ही उन्हें यात्रा के दरमियान पवित्र तंबू में अपने आप को ठहरने के विषय यहाँ उन्हें आशीषित देने के विषय में बातें की, जैसा कि आज के पहले पाठ के अनुसार से हमने सुना, तो उन्होंने मानव जाति या मनुष्यों के लिए, उन सारे इसराइलियों के लिए स्वतंत्र इच्छा को व्यक्त किया और लोगों ने अपनी इच्छा के तहत स्तंभों को बनाने के लिए अपने सामान लाए, कोई सोना लाए, कोई बैंगनी वस्त्र लाए और इस निमित्त में वह तंबू बना जिसमें परमेश्वर पिता ठहर सके। मसीह में इसी यात्रा के दरमियान पवित्र तंबू बनाने का आदेश जब परमेश्वर पिता देता है, उसी तंबू के द्वारा परमेश्वर पिता भेंट जाता है और लोग स्वेच्छा से जो भी लाते हैं उसे स्वीकार कर याजक मिलाप वाले तंबू को में रखते थे कि परमेश्वर उस तंबू में रहे और अगुवाई करे। और इसलिए प्रियो, या पवित्र वेदी भी हमारे लिए इसलिए बनाया गया है कि वह हमारे जीवन की अगुवाई करे और इस निमित्त में हमारी वह स्वतंत्र इच्छा की कामना करता है कि हम अपने परमेश्वर पिता को किस प्रकार से चढ़ावा चढ़ाए। आज जबकि अलग अलग जगहों पर कटनी मनाया जाता है, तो क्या हम उस उत्तम भाव को परमेश्वर को ना दें? वह हमारे मन की उदारता को चाहता है। और इस निमित्त में मसीह में प्रियो कि आज हमें स्वतंत्र भेंट उस उत्तम भाव को परमेश्वर पिता की निकटताई में चढ़ाना, तभी वह भेंट या उदारता परमेश्वर के सम्मुख में सिद्ध होगा। दूसरी बात, परमेश्वर उदारता से भेंट को स्वीकार करता है। मसीह में प्रियो, परमेश्वर पिता हमें सब कुछ देता है, वह हमें धन संपत्ति से भरपूरी करता है, परंतु हम इसके बदले ऊंचा पद चाहते। सदूकी फरीसियों ने भी यही किया, कलीसियों में ऊंचा पद लेकर अपने आप को बड़ा बनाना चाहा, परंतु परमेश्वर ने उस विधवा स्त्री के दान को ही स्वीकार किया, क्योंकि उस स्त्री ने अपने बढ़ती में से नहीं बल्कि अपने घटती में से अपने जीवन के संपूर्ण कमाई को उसने दान परमेश्वर के हाथों में दे दिया और उस स्त्री ने परमेश्वर के उस राज में उस जगह को बना लिया जो कि परमेश्वर पिता चाहता है कि हर एक मानव जाति उस राज में अपने जगह को बना। इस निमित्त में हमें स्त्री से सीखना चाहिए कि हम बढ़ती में से क्या अपने घटती में से भी परमेश्वर को भेंट अर्पण करना चाहें और जो कुछ भी दें वह हर्ष के साथ परमेश्वर पिता को अर्पण करना चाहिए। लूका 16:10 में हम सभी को पढ़ लेंगे, इब्रानी 13:16 में हम सभी को पढ़ लेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या है। तीसरी और आखिरी, प्रेरित पौलुस कलीसिया कार्य के लिए हमें प्रोत्साहित करता है और दूसरा क्रंथी 9:7 में कहता है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना तो कुड़कुड़ के ना तो दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वाले से प्रेम करता है। निश्चित तौर से मसीह में प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, जब तेरा दाहिना हाथ दे तो बाया हाथ को पता ना चले। निश्चित तौर से प्रेरित पौलुस भी यही कहता है कि जो कुछ हमारे लिए ठाना हुआ है परमेश्वर के लिए, हम जब परमेश्वर को अर्पण करें तो उसमें हम कुड़कुड़ाए नहीं बल्कि उस आनंदता को परमेश्वर पिता के निकटता में रखें कि निश्चित तौर से यह परमेश्वर तेरे द्वारा से ही यह दान हमें मिला है और इस निमित्त में हम अपने थोड़ा सा भाग उसी हर्ष के साथ में हम परमेश्वर पिता को अर्पण करें। यही प्रेरित पौलुस में गुणवाते परमेश्वर की आशीष को पाने का हमें सिखाता है कि हम परमेश्वर पिता से कैसी आशीष को हम चाहें, क्योंकि परमेश्वर पिता को हम यदि उसकी भाग को देंगे निश्चित तौर से वह हमें बहुत आयत की आशीष को देगा। और इसलिए वचन कहता है कि परख के देखो कि तेरा परमेश्वर पिता कितना महान है। मसीह में प्रिय, आज हम विचार करें कि जिस अनुपात में यदि हम परमेश्वर को चढ़ावा चढ़ाते हैं,
क्या हम उस अनुपात में यदि परमेश्वर पिता हमें आशीष देगा, क्या हम इस जगत के जीवन में जी पाएंगे? निश्चित तौर से नहीं मसीह में। अगर उसी अनुपात में परमेश्वर हमें दे तो शायद इस जगत के जीवन में हम जी नहीं पाएंगे। सूरज की रोशनी अगर उसी अनुपात में हमें मिले जिस अनुपात में हम परमेश्वर को चढ़ावा चढ़ाते हैं, शायद हम जी नहीं। बादलों की बारिश यदि उसी अनुपात में हमें मिले तो शायद हम नहीं जी। श्वास यदि हमें उसी अनुपात में मिले तो शायद हम नहीं जी। मसीह में प्रेम, फिर भी वह लिखी है हमसे कितना प्रेम करता है। उस अनुपात से कहीं बढ़कर के वह हमें दान देता है, अनुपात से कहीं बढ़कर के वह हमें वरदान देता है। क्या जिस आशीष परमेश्वर पिता ने हमें दिया है तो क्या हम अपने हृदय की उस हर्षता पूर्वक, अपने हृदय की उस गहराईता से क्या परमेश्वर पिता को हम दान ना दें? क्या हम उस विधवा स्त्री से ना सीखें कि हमें दान किस प्रकार से देना चाहिए? मसीह में प्रेम, जितना हम परमेश्वर को देते हैं यदि उसी अनुपात में अगर हमें मिले तो क्या निश्चित तौर से हम इस जगत के जीवन में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। यदि हम विश्वास से बढ़ेंगे तो परमेश्वर के आश्चर्यक्रम को देखेंगे निश्चित तौर से। और इसलिए प्रभु ने हमें सिखाया, जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो, और जो परमेश्वर का है वह हमें परमेश्वर को देना ही चाहिए। अगर हमें परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करना ही है तो हमें उदारता परमेश्वर पिता के सम्मुख में दिखानी ही होगी, ना कि हम उस सदूकियों के सामने, उन सदूकियों और शास्त्रियों के जैसा तर्क करें कि इस दान का क्या होगा, हम इस भेंट का क्या होगा। यदि हम इसी तर्क के साथ में परमेश्वर पिता के निकटता में आएंगे तो निश्चित तौर से हम परमेश्वर पिता का अपमान करेंगे, और ना ही हम कलीसिया की बढ़ती हम करेंगे, ना सुसमाचार की बढ़ती हम कर सकेंगे, ना आप अपने सेवकों की भरपाई कर पाएंगे। तो निश्चित तौर से मसीह में प्रियो, इस छोटी सी शिक्षा के साथ हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम अपने मन को उदारता पूर्वक परमेश्वर के सम्मुख में रखने वाले हो सकते। सामर्थ्य जीवित अनुग्रह खारे पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने उस विधवा स्त्री को हमारे सम्मुख में रखा और तूने उस विधवा स्त्री से कहा, इसने इस मंदिर में, इस आराधनालय में सबसे बढ़कर डाला, जबकि वह तो सिर्फ दो ही तमड़ियां डाले। निश्चित तौर से उसके हृदय को परमेश्वर पिता ने देखा और उसने अपने जीवन की हरेक दवाई को अर्पण कर दिया। और वह जानती थी कि परमेश्वर को देना आशीष का कार्य। हम निश्चित तौर से उसी में प्रिय हम प्रार्थना करते हैं कि हम अपने हृदय को बहुतायत से इस उदार मन के साथ में आगे बढ़ाने वाले, ताकि तेरा राज इस जगत के जीवन में फैलने वाला हो सके, तेरा वचन कोने कोने तक जाने वाला हो सके। हम सभी को आशीषित होने हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम अपने विश्वास की घोषणा प्रेरितों के विश्वास वचन के द्वारा से करें। हम एक साथ प्रार्थना करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से घर में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, उसने पुत्र शासन में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया, और मृतकों के लोग मोतरा तीसरे दिन जी उठा, सब पर चढ़ गया, पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवित और मृतकों का न्याय करने फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, वत्सला की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देखे पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। गीत संख्या 311, हिम्न नंबर 311।
आइए हम समस्त प्रकार के दानों के लिए प्रार्थना करें। हम उस चढ़ावा के लिए प्रार्थना करें, हम सिरने दान के दान के लिए प्रार्थना करें, हम दसवें अंश के लिए प्रार्थना करें और हर एक प्रकार के चढ़ावा के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अनादिकाल से अनादिकाल तक तू ही तो धन्य परमेश्वर है। हे प्रभु, सब कुछ तेरा है और तेरे दिए गए भाग में से प्रभु हम यह भेंट अर्पण करते हैं। जीवित अनुग्रह खारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि राज तेरा और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा। धन संपत्ति तेरी ओर से हमें मिली है और तेरे हाथ से पाकर हम तुझे अर्पण करते हैं कि यह दान पिता परमेश्वर तेरे हरेक कार्य कलेश कार्य के लिए उपयोग किया जाने पाए और जीवित अनुग्रह खारे पिता सुसमाचार कार्य में बढ़ती कलेश का उपयोग होने पाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु सिरनी दान के लिए, दसवें अंश के लिए। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू ही हमारा पालन पोषण का प्रबंध करता है और तूने अपने दास एलिय्याह को सरपत की विधवा के पास भेजा और तेरे अनुग्रह से और तेरे वचन के अनुसार तेरे दास के द्वारा ना तो घड़े का मैदा चुका ना तो कुपी का तेल घटा। प्रार्थना करते हैं कि हरेक भाई बहनों के घराने में तो बहुतायत की आशीष दे और जीवित अनुग्रह खारे पिता परमेश्वर धन्यवाद रूपी चढ़ावा पिता परमेश्वर जबकि तेरे सबों में चढ़ाते अनुग्रह खारे पिता बहुतायत की आशीष दे यीशु के नाम से आमीन। आइए हरेक बातों के लिए परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद देंगे जो इस सप्ताह में जन्मदिवस को मना रहे हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करें। जो अपने विवाह के वर्षगांठ को मनाते हैं, हम उनके लिए धन्यवाद देंगे और जो बीमारी से चंगाई को प्राप्त किए हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। विशेषकर बीमारी से चंगाई के लिए धन्यवाद लेना चाहते हैं MW नाथ, जो जॉन्टिस की बीमारी से चंगाई को पाए हैं। शरीर में खून की कमी होने के कारण से वे अब स्वस्थ हो गए हैं, इसलिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहते हैं। सर्वप्रथम हम इस चंगाई से चंगाई को प्राप्त करने के लिए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, समस्त दया के पिता, हम तुझे धन्य मानते और तेरी बड़ाई करते हैं कि तूने अपने विश्वासों की प्रार्थना को सुना। विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं तेरे दास MW नाथ को, जो रोग और दुख के बिछावे में पड़ा था, उस बड़े विपत्ति और जोखिम से बचा लिया और फिर तूने उसे भला कर चंगा किया। तूने केवल अपनी ही भलाई से उसकी और हमारी सहायता की, इसलिए हम आनंद से यह अंगीकार करते हैं कि जैसे तेरा प्रताप अनंत है वैसे तेरी करुणा उनकी ओर असीम है जो विश्वास से तुझे पुकारते हैं। तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट के नाम से, जो मनुष्य की देह और आत्मा का महान वैध होने के लिए स्वर्ग से उतरा और अब तेरे संग पवित्र आत्मा की एकता में युगानुग जीता और राज करता है, आमीन। हम प्रार्थना करें जो जन्मदिवस को इस सप्ताह मनाते हैं, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परम दयालु परमेश्वर, तेरी दया सारे सृष्टि पर बनी रहती है। तूने अपनी बड़ी दया से अपने प्रियजनों को एक साथ सुरक्षित रखा, गत वर्ष तूने अद्भुत रीति से इनकी रक्षा रखवाली की, अपनी उपस्थिति से तूने इनके जीवन को सुशोभित किया। उन इन सब बातों के कारण हम तेरी स्तुति करते और विनती करते हैं कि तू कृपा करके सब पापों को क्षमा करें और ऐसी सहायता करके वे तेरी कृपा को कभी ना भूलने पाए और इस नए साल तेरी बड़ी दया से प्रवेश करते हैं। तेरा बड़ा प्रेम पहचान के तुझ पर भरोसा रखें कि हर एक दुख के समय में तेरी इच्छा के अधीन रहे, तो अपने अत्यंत अनुग्रह के से इनकी अगुवाई करें, अपनी निरंतर सहायता इस नए वर्ष में करें हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट के द्वारा, आमीन। जो विवाह की वर्षगांठ को मनाते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं तूने अपने प्रियों को पवित्र विवाह के प्रेम के बंधन में जोड़ दिया, इनकी रखवाली करें, इनका मार्गदर्शन करें, रक्षा करें, इनकी सहायता करके वे जीवन भर
एक दूसरे से प्रेम रखते हुए निष्ठावान बने रहें, इनको अपने प्रतिज्ञाओं पर स्थिर रहने की शक्ति प्रदान करें, जिसे तेरी इच्छा के अनुसार इनकी सब आशाओं की पूर्ति होती रहे, इनको दृढ़ विश्वास में तेज प्रदान करें, जीवन भर तुषर एक दूसरे से बल प्राप्त करते जाए और अपने वरदानों की भरपूरी इनको दे और आपसे साहचारिता तथा हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के ज्ञान में बढ़ते जाए हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा, आमीन। हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तेरे प्रेम की सीमा नहीं, तेरी आशीष ठिकाने हैं। हम प्रार्थना करते हैं सब भलाई के लिए तेरी स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि तू सबों के को निर्बलता से बल देने वाला परमेश्वर, अंधकार में हमारी ज्योति और दुखों में दिलासा देने वाला परमेश्वर है। इस निमित्त में हर एक बात को प्रभु तेरे निकटता में समर्पित करते हुए प्रार्थना मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण करें, आमीन। हे सामर्थ्य जीवित अनुग्रह खारे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं कि आपने अपनी उपस्थिति दे करके हमें अनुग्रहित किया और हमें सिखाया उस उदार मन के विषय में कि तू मानव जाति के हृदय को चाहता है। जीवित अनुग्रह खारे पिता, हम अपने हृदय को तेरे सम्मुख में उंडेलने वाले बन सके और प्रभु हम अपने हाथों को खोलने वाले हो सके, जिससे कि तू हमें बहुत आशीष देने वाला हो। हे महान अनुग्रह खारे पिता, अब हम इस आराधना को समाप्त करते हुए तेरे निकटताएं में आते हैं और जीवित अनुग्रह खारे पिता, तू हमें बहुत आशीष देने वाला परमेश्वर ठहरे, यीशु के नाम से आमीन। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करना सिखाया, हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज प्रक्रम महिमा अब और सर्वदा तेरे ही है, आमीन। परमेश्वर के शांति जो सारे समस्या परे हैं, परमेश्वर के उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय विचारों को सुरक्षित रखें और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप सब के साथ सदा सर्वदा रहे, आमीन। शांति से पुनः कर जाए, प्रभु से प्रेम रखें और उसकी सेवा करें, ख्रीस्त के नाम में आमीन। सबों को ईश्वर सहाय। गीत संख्या 175 175
की